गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे साइड डोर्स होते हैं उसमें इंटीरियर में एक ये नेट लगी हुई होती है और ये नेट आप देखिए बहुत गंदी हो गई है। मैं लाइट जला के दिखा देता हूँ, बहुत गंदी हो गई है। तो मैंने सोचा मैं इसको खुद ही टेपिंग करवा दूँ क्योंकि आफ्टर मार्केट करोल बाग में बहुत कॉस्टली हो रहा था। तो मैंने इसको खुद इस गेट से निकाला, आप देख सकते हैं। और अब मैं इस साइड का भी डोर खोल चुका हूँ और अब मैं इस साइड का भी निकाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकाल रहा हूँ, फिर हम ये चारों निकालेंगे, दो पीछे के भी निकालेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये है हमारा ड्राइवर साइड का गेट और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी बहुत गंदा हो रहा है। तो अब मैं इसको निकाल रहा था और इसको गेट को आप देखिए पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये एक प्लास्टिक के कुछ लॉक्स लगे हुए हैं तो इनका कोई और तरीका है नहीं इसको निकालने का, तो मुझे इनको प्रेशर से, स्क्रू ड्राइवर से प्रेशर देकर इसको निकालना पड़ रहा है ऐसे यहाँ से करके। अब ये सारे निकालता हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ और फिर चलते हैं हम टेपिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से बाहर आ चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्लास्टिक के कुछ इस तरह के लॉक्स हैं और ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ईजीली बाहर आ जाते हैं और ये फिर दोबारा यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। जब मैं इसकी टेपिंग करवा दूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये कैसे प्लेस करा। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है ये और ये गेट के ऊपर होता है ये साइड में। तो अब इसको टेपिंग करवाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है ये। तो अब हम सीट कवर वाले की शॉप पर आ गए हैं। जब मैं टेपिंग वाले के पास गया तो उसने बोला भैया इस पर टेप तो रुकेगी नहीं क्योंकि ये नेट है, तो आप एक काम करो इस पर एक कोई रैक्सीन लगवा लो अच्छी वाली। तो मैं इन अंकल के पास आया, इन्होंने सिल्वर कलर की रैक्सीन दिखाई, अब मैं वही इस पर प्लेस करा रहा हूँ। अब अंकल को काम करने देते हैं और मैं आपको जब लग जाएगी तब दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देखिए इस पर ये सिल्वर रैक्सीन चढ़वा दी है मैंने और ये थोड़ा डोर से भी मैच कर रही है और हमारे सीट कवर में भी है तो इसलिए ये लगा दी थी। और इसको लगाने के बाद इसके जो पीछे पेस्टिंग हुई है वो मैंने पूरा कंप्लीट एल्फी से पेस्टिंग करी है, एल्फी के अलावा इसका कोई और तरीका नहीं था, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से फिट हो गई है। और ये दूसरी साइड का भी देखिए आप और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा काम। इसी तरीके से हमने दोनों पीछे के भी कर दिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। और ये इस साइड का और ये मेरी बुलेट है। अगर आप लोगों को इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रहमान ब्लॉग्स।